भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। आष्टी और निकट के गांव में फिर एक बार बाघ की दहशत देखी जा रही है। बकरे की शिकार करने की वजह से दहशत और बढ़ गई। आष्टी गांव से लगे हुए गन्ने के खेतों से शुक्रवार को दोपहर करीब 1:30 बजे एक बाघ ने बकरे को मार डाला। पहले बकरे को उठाकर गन्ने के खेतों से होता हुआ लोभी के घन जंगल की ओर ले भागा। गन्ने के खेतों में खून के निशान दिखाई दे रहे है। बकरा मालिक किसान विश्वनाथ उका नागपुरे की आंखों के सामने यह घटना हुई। किसानों में भय का वातावरण है। खेतों में काम करने जाने के लिए अब किसान डरने लगे हैं। सरपंच ईश्वर दयाल गोपाले ने बताया कि आए दिन गांव के नागरिक और किसान गांव के आसपास घूमते हुए बाघ को देखकर शिकायत करते हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही अचल के बाघ पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाए ताकि किसान खेती बाड़ी का काम कर सके। नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र के रेंजर मनोज मोहिते के मार्गदर्शन में राउंड ऑफिसर यादव एवं उनके सहयोगी जाँच में जुटे हुए है। भंडारा तहसील के पांडाबोड़ी ग्राम निवासी नयन मुकेश खोड़पे उम्र 19 वर्ष का सालेबड़ी परिसर में शव मिला था। जवानगर पुलिस ने जांच कर इस मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने एक युवती समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नयन की प्रेम प्रकरण में हत्या किए जाने की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को शनिवार को न्यायालय के सामने हाजिर किया जाएगा। आरोपियों में भोजापुर ग्राम निवासी मयंक अशोक ठाकरे उम्र 19 वर्ष, पेट्रोल पंप निवासी शाहिल शरद धांडे उम्र 19 वर्ष, बीट सितेपा निवासी पूनम नरेंद्र कारेमोरे उम्र 19 वर्ष का समावेश है। तीनों को भोजापुर तथा भंडारा से गिरफ्तार किया गया। पांडाबोड़ी ग्राम निवासी नयन मुकेश खोड़पे उम्र 19 वर्ष यह 27 नवंबर से लापता था। उसके परिजनों ने 28 नवंबर को वठी पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। इसी बीच गुरुवार की सुबह लगभग 11:45 पर साले बर्डी के नाले के पास नयन का शव मिला। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे और हाथ पैर बंधे हुए थे। घटना सामने आने पर परिजनों को मौके पर लाकर उसकी शिनाख्त की गई। उस समय परिजनों ने घटना को प्रेम संबंधों में हत्या करने का आरोप लगाया। जवानगर पुलिस थाने के थानेदार सुधीर बोरकुटे व उनकी टीम मामले में जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने भोजापुर से मयंक अशोक ठाकरे, शाहिल शरद धांडे तथा बीट सितेपा निवासी पूनम नरेंद्र कारेमोरे को हिरासत में लिया। तीनों ने बताया कि उन्होंने नयन को 27 नवंबर को पांडाबोड़ी से साले बड़ी के खेत परिसर में लाया, रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इन आरोपियों ने प्रेम संबंध के चलते नयन खोड़पे की हत्या किए जाने की बात कबूली है। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर धारा 302 201 के तहत मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी BSc व BA पाठ्यक्रम के छात्र है। शिक्षा पूर्ण करने के समय इन युवकों ने हत्या को अंजाम देकर अपने भविष्य से खिलवाड़ किया। मामले की जाँच थानेदार सुधीर बोरकुटे कर रहे है। पुलिस स्टेशन जवाहरनगर अंतर्गत मोजा सालेबडीच्या नदी शिवारामध्ये दुपारी 12:00 दरम्यान तेथील पोलीस पाटील फुलके जी यांनी पोलिटिशियनला फोन करून माहिती दिली की नदीच्या पाण्यामध्ये एक पुरुष इसमाची बळी पडलेली असून तिने पोलीस स्टाफ पाठवा, त्यावरून आम्ही PSI राठोड आणि स्टाफ तिथं पाठवले। त्यांनी जी 2-5 समक्ष बाळी बाहेर काढली, त्या ठिकाणी घातपाताचा प्रकार दिसला तेव्हा आम्ही स्वतः आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तिथे हजर झालो। तिथं त्याच्या गळ्याला एक काळ्या धाग्याने गमछाने आवडलेलं होतं, दोन्ही पाय आणि हात बांधलेले होते। यावरून प्रथमदर्शनी तिचा त्याचा खून करून फेकण्यात आला असा आमचा अनुभव। त्या मृतकाची ओळख पटवण्याकरिता पोलीस स्टेशनच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर कुठे मिसिंग दाखला आहे का याबाबत माहिती काढली असता पोलीस स्टेशनवरती येते 31/23 नंबरची मृत मिसिंग नयन मुकेश खोडपे राहणार पांढरापुरी याची दाखल होती। त्यावरून त्यांनी नातेवाईकांनी तिथं बोलले असता नातेवाईक त्याचा भाऊ त्या ठिकाणी हजर झाला आणि त्यांना त्या मृतकाची बॉडी ओळखली त्याचा भाऊ असल्याने। मग त्याच्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशनला 305/23 कलम 302-200 मर्डरचा गुन्हा दाखल केला आणि बॉडी PM करता सर्वप्रथम भंडारा रुग्णालय तिथून नागपूरला रवाना करण्यात आलं। या आरोपीचा शोध घेत असताना आम्हाला गुप्तने माहिती मिळाली की भोजापुरीतून राहणारा मयंक
ठाकरे यांनी त्याचा खून केला असावा यावरून जास्त ताब्यात घेतली असता त्याने ते मान्य केले आणि त्याच्यासोबत त्याचा पार्टनर पेट्रोल पंप येथील साहिल झांडे व त्यांची मैत्री पूनम कारेमोरे बीड सीतेवर ह्या तिघांना ताब्यात घेतलं त्यांना कसून चौकशी केली असता आणि तिघांनी त्यांचा खून केल्याचं मान्य केलं सध्या ते पोलिसांच्या ताब्यात आहे. जय बजरंग व्यायाम स्कूल रोहा समस्त रोहा ग्रामवासियों की ओर से व टाइगर ग्रुप रोहा के सौजन्य से महाराष्ट्र राज्य कुश्तीगीर संघ के नियम के अनुसार विदर्भ स्तरीय ओपन कुलागढ़ भव्य कुश्ती स्पर्धा का आयोजन 12 व 13 दिसंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक रोहा के भव्य मैदान पर आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम का प्रथम पुरस्कार 2000 कैश व चांदी का गदा कमलेश पांडे बुचे की ओर से दिया जाएगा और द्वितीय पुरस्कार 5000 रुपए कैश शैलेश पांडे बुचे की ओर से आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम के उद्घाटक विधायक राजू कारे मोरे सह उद्घाटक अशोक राउत कमलेश पांडे बुचे अध्यक्ष नरेश ईश्वरकर सह अध्यक्ष नरेंद्र चकोले. इस कार्यक्रम का भूमि पूजन एकनाथ फेंडर तथा विलास पांडे बुचे के हस्ते होने वाला है. पुलिस अधीक्षक पथक की सुगंधित तम्बाकू पर कार्रवाई. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पथक का अवैध व्यवसायों में खौफ. रेती तस्करी गौ तस्करी सुगंधित पदार्थ जैसे अन्य अवैध धंधों पर अंकुश. नागपुर ग्रामीण विशेष पुलिस पथक ने एक बार फिर अवैध व्यवसाय करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है जिसमें सुगंधित तंबाकू, गुटखा पान मसाला मोबाइल वाहन और नकदी पैसे सहित 10,24,630 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है और दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. आरोपियों के नाम सुनील बोधाजी भीमटे उम्र 50 वर्ष जरीपटका नागपुर निवासी तथा महेंद्र उर्फ मुन्ना श्याम शंकर पाठक उम्र 32 वर्ष वेलकम सोसाइटी तथा शंकरलाल तनवानी. इन आरोपियों के खिलाफ कलम 188, 272, 273, 328 भारतीय दंड विधान संहिता 1860 सह कलम के अनुसार अन्न सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत केलवत पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. नागपुर ग्रामीण विशेष पुलिस पथक आए दिन अवैध व्यवसाय जैसे रेत चोरी गौ तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर कार्रवाई कर रही है. नागपुर ग्रामीण विशेष पुलिस पथक का अब खौफ अवैध व्यवसायियों में देखने मिल रहा है. विशेष पुलिस पथक को मिली जानकारी के अनुसार नागपुर पुलिस अधीक्षक के विशेष पथक को केलवत पुलिस थाने क्षेत्र में खुर्सीपार आरटीओ बैरल यहां राष्ट्रीय महामार्ग 47 पर मारुति सुजुकी इको कार क्रमांक MH31EK0093 इस वाहन की तलाशी ली गई जिसमें सुगंधित तंबाकू, गुटखा पान मसाला मोबाइल वाहन और नकदी पैसे सहित 10,24,630 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है और दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. उपयुक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार अपर पुलिस अधीक्षक संदीप पखाले इनके मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक अमित पांडे विशेष पुलिस पथक नागपुर ग्रामीण व पोहवा ललितुई के पुलिस नायक प्रणय बनाफर पुलिस अमलदार कार्तिकपुरी पुलिस अमलदार बालाजी बारगुले पुलिस अमलदार शुभम मोरोकर इन्होंने की है. गुड़ेगांव में अवैध रेत तस्करी जोरों पर. आधी रात को रेत माफियों का खुला राज. गुड़ेगांव रेत घाट से 50 से 100 ट्रक करते हैं रोजाना रेत तस्करी. आखिर किसके आशीर्वाद से चल रही है अवैध रेत घाट.
पानी में गुड़ेगा वलनी भोजापुर येनोडा वागदरा खातखेड़ा जुनोना ऐसे अन्य घाटों से रेत तस्करी की चर्चा। भंडारा जिले के पौनी तहसील अंतर्गत आने वाले गुड़ेगांव घाट पर रोजाना 50 से 70 ट्रक से रेत तस्करी करने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी मिलते ही बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम गुड़ेगांव घाट पर देर रात 1 बजे के दरमियान पहुंची, लेकिन वहां से ट्रैक्टर और टिप्पर फरार हो गए। गुड़ेगांव घाट पर नदी से लगे रेत डंप बड़े पैमाने पर किया गया था। आखिर यह किसके आशीर्वाद से चल रहा है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को इसकी जानकारी नहीं, यह सवाल निर्माण होता है। एक अवैध रेत घाट चालू होने पर पौनी क्षेत्र के अन्य घाट भी शुरू होने की चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और विशेष पथक बनाकर कार्रवाई की बात की जा रही है तो दूसरी ओर नदी से रेत डंप कर खुलेआम बेची जा रही है। देखना है कि इस पर संबंधित विभाग कौन सी कार्रवाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान, आज हम गुड़ेगांव घाट पे मौजूद है। देख सकते हैं कि चारों तरफ रेती का डंप जमा हुआ है। पूरी तरफ आप देख सकते हैं कि कितना बड़े पैमाने पे यहाँ डंप जमा हुआ है। यहाँ पर रोजाना 50 से 60 70 गाड़ियाँ यहाँ पर रोज भरती है, लेकिन पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी जी और जिला अधिकारी योगेश कुंभीकर जी ने एक विशेष पृथक बनाया, जिसके बाद खनिज विभाग और अन्य की टीम निर्माण की गई, जिसके बाद देख सकते हैं कि आज जो है काम पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। यहाँ पर गाड़ियों के निशान देख सकते हैं कि अभी अभी ताजे ताजे निशान दिख रहे हैं। जैसे भी कोई हलचल पता चलती है, कोई गाड़ी आने वाली रहती है, उस तरह से यहाँ पर काम पूरा बंद होता है। लेकिन यहाँ पर करीबन हजारों ट्रक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई ट्रक माल जमा हुआ है इसमें, ये घाट के पीछे में, और ये ताजे निशान देख सकते हैं। तो जेसीबी से उठाकर यहाँ पर माल गाड़ियों में भरा जाता है, और ये ट्रकों के निशान आप देख सकते हैं कि जो ट्रकों के निशान दरिए माल लेके जाया जा सकता है। ये पूरा अवैध तरीके से यहाँ पर रेती का उत्खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है। नजदीक में ही बाजू से लगी हुई सटी में अभी अंधेरा है, तो पूरी तरह से हम बता नहीं सकते कि बस यहाँ से 10-15 कदम पे ही नदी का तट है, और जिसके कारण नदी का रेती निकालने में काफ़ी आसानी हो जाती है, और ट्रैक्टरों द्वारा ये माल यहाँ पर निकाला जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरे पैमाने पे डंप किया जाता है। तो पौनी में ये देख सकते हैं आप कि पूरे तरह से गुड़ेगांव ऐसे अनेक घाटों में खुलेआम रेती की तस्करी दिवाली के बाद से बड़े पैमाने पे शुरू हो गई थी, लेकिन विशेष पथक निर्माण होने के बाद कुछ कार्रवाई के आसार उन्हें नजर आए, और जिसके बाद अभी आज फिलहाल बंद है, कल भी चालू था, तब भी पतक वतक निर्माण हुए थे, आए थे तब भी भागदौड़ी हुई, और आज भी अभी देख सकते कि अभी शायद गाड़ियां भरी होंगी, या हमारे आने की जानकारी, या पतक आके गए होंगे, पतक घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सब यहाँ से फरार हो जाए। लेकिन अंधेरी रात में, यानी जैसी ही रात अंधेरी होती जाती है, 1, 2, 3, 4 बजते जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर रात में सवेरे 6 बजे तक बड़े पैमाने पे गुड़ेगांव और अन्य घाटों पर रेती बड़े पैमाने पे चोरी का प्रकरण शुरू रहता है। कुछ नामचीन लोग हैं जो यहाँ पर ये घाट चला रहे हैं, जिनके कारण बड़े पैमाने पे ये घाट का यहाँ पर रेती तस्करी की जा रही है। हमारे भंडारी जिले की रेती इतनी मशहूर है कि इसे नागपुर में ले जाके डंप किया जाता है, और नागपुर से मुंबई अकोला ऐसे बड़े बड़े जिलों में इसे भेजा जाता है, जबकि अच्छी मोटी रकम मिलती है। अवैध होने के कारण क्या रहता है, यहाँ पर रेट बड़े पैमाने पे चल रहा है। चर्चा का विषय ये भी बना है कि 15-18 हजार रुपये से करीबन रेती एक ट्रक माल भरा जा रहा है, जो पूरे अवैध तरीके से है। शासन ने अभी तक डंप जो होते हैं, जो यहाँ पर जो डंप लगते थे, जो 600 रुपये ब्रास के हिसाब से दिए जाते थे, वो डंप की नीलामी की प्रक्रिया शुरू है, पर पूरी तरह से अभी तक नहीं हुई, जिसके कारण आप देख सकते हो कि ये बड़े पैमाने पे शासन का लाखों करोड़ों का नुकसान जो है बड़े स्तर पे हो रहा है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज इसलिए ही ऐसी खबरें आपको स्पॉट पे जाके बताता है, ताकि हकीकत आप तक पहुंच सके। शासन प्रशासन को हम जागरूक करते हैं, ताकि जो हो रही है
उनको जो चीजें की जानकारी नहीं होती, वो जानकारी हम अपने खबरों के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। ऐसी ही खबरों के साथ में हमारे जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज, भंडारा। रोहा बेटाला, गांव के किसान परेशान। पटवारी ऑफिस में ना होने से किसानों को नहीं मिल रहा 7/12 और अन्य सुविधाएं। बेटाला रोहा के किसानों ने जिलाधिकारी उपविभागीय अधिकारी को की शिकायत। पटवारी ऑफिस से ज्यादा रेत घाटों के लगाते हैं चक्कर। किसानों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। मोहाड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले रोहा और बेटाला गांव में स्थानीय पटवारी के कारण किसानों को 7/12 नमूना 8 और पटवारी कार्यालय संबंधित अनेक कामों को लेकर परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पटवारी कार्यालय से ज्यादा रेत घाटों पर रहते हैं, जिसका वीडियो भी किसानों ने बनाकर वायरल की है। अनेकों बार इन पटवारी की तहसील में शिकायत की है, लेकिन इन पर किसी भी प्रकार की उचित कार्रवाई न होने से 1 दिसंबर को रोहा बेटाला गांव के नागरिकों ने रोहा के पटवारी वैभव जाधव और बेटाला के पटवारी विकास कदम को निलंबित करने की मांग जिलाधिकारी भंडारा व उपविभागीय अधिकारी तुमसर को की है। साथ ही पटवारी कार्यालय में पटवारी मौजूद ना होने का वीडियो और रेत घाट पर ट्रैक्टर रोक वसूली करने का वीडियो बनाकर आरोप लगाकर किसानों और गांव वासियों ने पुरावा दिया है। साथ ही गाड़ी क्रमांक MH 33A 6123 से घाटों पर वसूली करने का आरोप लगाया है और साथ ही 23 नवंबर 2023 को 8:08 का वीडियो भी दिया है। 15 दिन के भीतर इन पर निलंबन की कार्रवाई और उचित कार्रवाई ना की गई तो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन की बात कही है। देखना है कि क्या इन पटवारियों पर संबंधित अधिकारी कार्रवाई करते हैं या नहीं। हाँ, पटवारी मुझे अपने गाँव से पहले नदी और जाते रेती पाते कराए काम कौन कर कुर्ची खाली है 10 वाजून गेले तरी पटवाडी साहेब ऑफिस मध्ये नाही। अगोदर आले, नदीकड गेले, नदीकड वसुली करतील, त्याच्यानंतर मग आरामशीर पटवाडी ऑफिस मध्ये बसतील। का करावं कास्तकारांना? रोजच असा प्रॉब्लेम राहते याचा, ऑफिस मध्ये पटवाडी येतच नाही। चला आता नदीकड जाऊन पाहतो, नदीकड असतील तर। ते पहा, आमच्या गावचे पटवाडी साहेब हे नदीवरती आहेत, वसुली पथक चालू आहे ना, ते नदीमध्ये ट्रॅक्टर चालू आहे। नदीचे फोटो देतो, नदीमध्ये ट्रॅक्टर चालू असताना सुद्धा येतो उभे आहे। गावच्या बेटाळ्याच्या पटवाड्याच्या आलिशान मध्ये नदीमध्ये ट्रॅक्टर चालू असताना ही इथं वसुली पथक करतात, रोजचाच काम आहे याचा। स्था
स्थानीय सनी स्प्रिंगडेल शाळेत दिनांक 2 डिसेंबर रोजी क्रीडा उत्सवाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये खेळांप्रती प्रेम व खेळाडू वृत्ती आत्मसात करणे हा आहे. शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक जडणघडणीत खेळाचे महत्व पटवून देण्याकरिता विविध स्पर्धांद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्यात आले. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुण्या म्हणून सत्यम एज्युकेशन सोसायटीच्या संचालिका डॉक्टर कांचन आष्टीकर होत्या. मंचावर कोषाध्यक्ष शुभांगी मेंढे, संचालक विनय अंबुलकर उपस्थित होते. प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते शाळेचा ध्वज फडकवण्यात आला. त्यानंतर खेळांच्या साहित्याचे पूजन करून व क्रीडा उत्सवाची मशाल प्रज्वलित करून क्रीडा सप्ताहाची सुरुवात करण्यात आली. प्रमुख पाहुण्यांनी विद्यार्थ्यांना क्रीडा सप्ताहासाठी प्रतिज्ञा दिली. पाहुण्यांचे स्वागत गीताने करण्यात आले. त्यानंतर शाळेतील विद्यार्थ्यांनी पथसंचलनाद्वारे पाहुण्यांना मानवंदना दिली. शाळेतील विद्यार्थ्यांनी पिरामिड नृत्य सादर केले. प्रमुख पाहुण्यांनी त्यांच्या प्रेरणात्मक भाषणातून स्वयंशासन व मैदानी खेळण्याचे महत्व पटवून दिले. मैदानी खेळांना महत्व देऊन खेळाद्वारे शारीरिक गुणांचा विकास करण्यावर भर दिला. क्रीडा सप्ताहाच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. विनय अंबुलकर व शुभांगी मेंढे यांनी खेळांचे व शिस्तीचे महत्व विशद केले. या कार्यक्रमाला शाळेचे संचालक विनय अंबुलकर, कोषाध्यक्ष शुभांगी मेंढे, प्राचार्य शेफाली पाल, प्रायमरी प्रमुख समृद्धी गंगाखेडकर, प्री प्रायमरी प्रमुख कल्पना जांगडे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वर्ग 10 विद्यार्थिनी पूर्वा हटवार आणि आर्या बांते यांनी केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन वर्ग 10 विद्यार्थिनी तनुश्री बडवाई हिने केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शाळेतील शिक्षक वृंद व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले. जन्मदिन की पार्टी मनाकर भंडारा आ रहे युवकों की कार पेड़ से टकरा गई. इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका भंडारा के अस्पताल में इलाज शुरू है. यह घटना कोरम्बी भंडारा मार्ग पर गुरुवार 30 नवंबर की रात लगभग 12 बजे हुई. भंडारा पुलिस ने आरोपी कार के चालक पर मामला दर्ज किया है. मृतक व घायल एक दूसरे के परिजन थे. मृतकों में कोरम्बी ग्राम निवासी प्रणय राष्ट्रपाल सुखदेव उम्र 23 वर्ष और नवे निवासी राजेश सिंगाड़े उम्र 25 वर्ष का समावेश है. वहीं घायलों में जवाहरनगर निवासी हर्षल उर्फ बंटी सुखदेव उम्र 23 वर्ष, कोरम्बी निवासी अक्षय कामले उम्र 24 वर्ष तथा अमर बोलकर उम्र 22 वर्ष का समावेश है. हर्षल उर्फ बंटी सुखदेव की जन्मदिन पर कोरम्बी के एक होटल में पार्टी रखी थी. सभी युवक अल्ट्रो कार क्रमांक MH40CH8518 से होटल पहुंचे थे. रात को लगभग 12 बजे भंडारा में पान खाने के लिए निकले. इसी दौरान हर्षल कार चला रहा था. तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पास के पेड़ से जा टकराई. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि इसमें प्रणय सुखदेव तथा राजेश सिंगाड़े की मौके पर ही मौत हो गई. कार के परखच्चे उड़ गए. वहीं अमर बोलकर, हर्षल उर्फ बंटी सुखदेव तथा अक्षय कामले यह तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने आरोपी कार चालक हर्षल को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच थानेदार पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल कर रहे हैं. जिला एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष जिला अस्पताल भंडारा द्वारा 1 दिसंबर की सुबह 10 बजे सरकारी नर्सिंग विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए रैली निकाली गई. HIV एड्स विषय पर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस रैली में 150 विद्यार्थी उपस्थित थे. इस वर्ष एड्स दिवस की थीम लेट द कम्युनिटी लीड एड्स को नष्ट करे थी. इस समय उपस्थित डॉक्टर अभय हाटेकर, जिला अस्पताल भंडारा के जिला शैल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, सचिव व जिला विधि प्राधिकरण सेवा डॉक्टर वीजू गवारे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की. अतिरिक्त जिला शैल्य चिकित्सक डॉक्टर अतुल टेम्भुर ने नेत्र शैल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत वाघाए एवं अन्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. कार्यक्रम की प्रस्तावना में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर लोकेश कबने ने HIV एड्स के लिए जिले में उपलब्ध HIV सेवा सुविधा क्षय रोग STI RTI ART औषधोपचार महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन विषय पर विस्तृत जानकारी दी. कार्यक्रम अध्यक्ष जिला शैल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने शासन की ओर से दवाओं की आपूर्ति, समाज में HIV संक्रमित व्यक्ति का समुपदेश करना, HIV जांच कराना क्यों जरूरी है इसकी जानकारी दी. साथ ही सभी ने जागरूकता की शपथ ली. कार्यान्वित विहान प्रकल्प के महादेव बिस्ने तथा कर्मचारियों द्वारा जागरूकता चित्र प्रदर्शन का आयोजन किया. इस अवसर पर लगाए गए स्टॉल का उद्घाटन करके IC वितरित किया गया.
जिला कौशल विकास रोजगार एवं उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र ने गुरुवार 30 नवंबर की सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक केंद्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला का ऑफलाइन प्लेसमेंट मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य कविता उइके, जिला कौशल विकास कार्यकारी समिति के नूतन सार्वे सहायक आयुक्त, जिला कौशल विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र के सुधाकर झल के, अण्णा साहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के जिला समन्वयक सुहास बोंदरे, नागपुर के महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के शुभम झेले व प्रफुल्ल राम ने किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना सहायक आयुक्त सुधाकर झलके ने रखी। जिला समन्वयक अधिकारी सुहास बोंदरे ने महामंडल द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बीते दिनों जिले में हुई बेमौसम बारिश से किसानों को फसलों का भारी नुकसान झेलना पड़ा। विधायक नरेंद्र भुंडेकर ने शुक्रवार को सीधे खेतों पर पहुंचकर बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा की। प्रभावित किसानों से चर्चा कर सरकार द्वारा नुकसान भरपाई दिलवाने का आश्वासन दिया। साथ ही दौरा कर रहे राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों को फसल क्षति की रिपोर्ट तत्काल सरकार को भेजने का निर्देश दिया। विधायक भुंडेकर ने भंडारा विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीण इलाकों में भंडारा, खुर्शीपार, मोदुरा, हत्तीडोई, गोपीवाड़ा, खरबी, खराडी, मंडन गाँव, मालीपार, मानेगाँव, बोरगाँव, चोवा, वडर, नीमगाँव, ईटगाँव आदि का दौरा किया। बोंडेकर ने किसानों के खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। इस समय विधायक को नुकसान की पूरी जानकारी दी गई और मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया गया। बोंडेकर ने किसानों को सांत्वना देते हुए कहा कि इस संबंध में दो दिन पहले मुख्यमंत्री शिंदे साहब को नुकसान के बारे में अवगत कराया गया है और जिले के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा होने के कारण किसानों की फसलों को क्षति के अनुरूप मुआवजे की मांग पर मुख्यमंत्री का रुख सकारात्मक है। विधायक भोंडेकर ने कृषि विभाग, राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों को नुकसान का तुरंत पंचनामा कर तुरंत राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। बेटाला ग्राम में आधी रात को टिप्पर चोरी। मोहाड़ी पुलिस की तलाश जारी। टिप्पर चोरी होने से परिसर में मची सनसनी। मोहाड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले बेटाला गांव में रोड के किनारे खड़े टिप्पर क्रमांक MH 35 AJ 0131 को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। इसकी जानकारी चालक मालक को मिलते ही टिप्पर को ढूंढा गया। टिप्पर कहीं नहीं मिलते ही आखिर इस घटना की शिकायत मोहाड़ी पुलिस थाने में दी गई। पुलिस ने 379 के तहत मामला दर्ज कर टिप्पर की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र राज्य वन विकास निगम के वन कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर आज से भूख हड़ताल पर है और इसी पृष्ठभूमि में भंडारा शहर में FDCM के कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी बीच महाराष्ट्र राज्य वन विकास निगम सीमित अधिकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार 2016 से 2021 तक की अवधि का बकाया भुगतान करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। मी एनडी होम ने सेवानिवृत्त सहायक वेतन व लेखा अधिकारी FDCM सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे। आमच्या मागणे असे आहे की आम्हाला 1/1/16 ते 30 जून 2021 पर्यंत सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळालेली नाही, ती मिळावी आमची प्रमुख मागणी आहे। मी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे, इतके वर्ष FDCM मध्ये सेवा केली, आम्हाला तुटपुंजी 1,500 रुपये इतकी पेन्शन मिळते आणि तेवढ्याशा पेन्शनमध्ये आमचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आणि जवळपास 10 लाखाच्या जवळपास आमच्या एरियरची रक्कम शासनाकडे अडून पडली आहे। आम्ही उदरनिर्वाह कसा करावा, इतके वर्ष आम्ही नोकरी करून आमचे जे जमा झालेले पैसेच आम्हाला जर मिळणार नसतील तर आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही। आम्ही याच्यासाठी शासनाकडे मागणीही केलेली आहे, वारंवार मागणी केली आहे। शासनाने समिती गठित केली, समितीने 1 वर्षापासून सभा घेतली नाही आणि आम्हाला असं ताटकळत ठेवलेलं आहे। समितीचे अध्यक्ष माननीय वनमंत्री आहेत, माननीय उपमुख्यमंत्री आहेत आणि संजय राठोड सर आहेत आणि यांनी अजूनपर्यंत मीटिंग न लावल्यामुळे आमच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। त्यामुळं आम्ही इथंच अन्नत्याग करून आपली जीवनलीला संपवलेलीच बरी राहील असा आमचा आता मत झालेलं आहे। त्यामुळे आता आम्ही इथं 6 लोक बसले आहे, पूर्ण महाराष्ट्राभर 100 पेक्षा जास्त लोक बसले आहे। त्याच्यात नियमित कार्यरत कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारीही
या संपामध्ये सहभागी झालेले आहेत, या अनत्याग आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत। आता आम्हाला जर समजा 3 तारखेपर्यंत न्याय मिळाला नाही तर 4 तारखेपर्यंत कार्यरत सर्व कर्मचारी हे काम बंद आंदोलन करणार आहेत। हमारी मांगे, हमारी मांगे, एफडीसीएम संघटना, एफडीसीएम संघटना, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें नहीं तो कभी नहीं, हमें नहीं तो कभी नहीं। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवकों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराई। इस भयानक हादसे में 2 युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हरदोली गांव के पास अज्ञात शख्स ने एक किसान के धान के खेत में रखे धान की ढेरी में आग लगा दी। इस घटना में सारा धान जलकर राख हो गया। खेत के मालिक दुर्वास पुंडे ने सरकार से मांग की है कि उसे आर्थिक सहायता दी जाए। कादा पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत एक गांव में 16 साल की नाबालिग के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की गई। आरोपी का नाम शाहरुख राजिक खान, उम्र 25 वर्ष है। शिकायत पर कादा थाने में विनय भंग व बाल लैंगिक अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। बटी थाना क्षेत्र के युवक नयन मुकेश खोड़पे, उम्र 19 वर्ष की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया। यह घटना गुरुवार को हुई। इसका खुलासा 30 नवंबर को हुआ। इस मामले में हत्या की गुत्थी सुलझ गई और जवाहरनगर पुलिस ने इस मामले में 2 युवक को और 1 युवती को हिरासत में लिया है। नहाने के लिए वैनगंगा नदी घाट पर गया युवक डूब गया। मृतक का नाम पौनी निवासी प्रकाश रामचंद्र खापरडे, उम्र 40 वर्ष है। प्रकाश सुबह दीवान घाट पर स्नान करने गया था। शिकायत पर पौनी पुलिस ने मरकर दर्ज किया है। बाइक से गिरने के कारण दुर्घटना में घायल हो गए एक नाबालिग के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक डोंगरगांव निवासी आर्यन रामराव रुद्रकार, उम्र 15 वर्ष है। 29 नवंबर की शाम निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खेत में चरने के लिए छोड़ी गई एक बकरी पर भेड़ियों ने हमला कर शिकार कर ली। घटना 30 नवंबर को तहसील के वीरली खुद के खेत परिसर में हुई। घटना में वीरली खुद निवासी पशुपालक अश्विन हरिश्चंद्र भागड़कर की लगभग 10,000 रुपए मूल्य की बकरी की मृत्यु हो गई। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।